हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल संजीव फैंटेसी में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे इंडिया और आयरलैंड के बीच होने वाली सेकेंड T20 मैच के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो मैच है ना, जैकपॉट मैच है और फ्रेंड्स पैसा कमाने के लिए बहुत ही बेहतरीन मैच होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स इस सीरीज का जो पहला मैच खेला गया था उस मैच में फ्रेंड्स मैंने पर्सनली 1.5 लाख का विनिंग किया था और फ्रेंड्स मेरे काफ़ी सारे मेंबर्स ने काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमाया था। और फ्रेंड्स आपको इसका प्रूफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप जाकर के मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके इस मैच के लिए कौन से बेस्ट ग्रैंड लीग का पिक्स हो सकते हैं, कौन से आपके बेस्ट स्मॉल लीग का पिक्स हो सकते हैं, कौन से आपके बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकते हैं, कौन से आपके बेस्ट फैंटेसी टीम हो सकता है जिससे कि आप इसी ग्रैंड लीग में रैंक को ला सको। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में हर एक प्लेयर्स को डीपली कवर किया है कि कौन सा प्लेयर आज के मैच में चलेगा, कौन सा प्लेयर आज के मैच में फ्लॉप होगा, सभी चीज़ के बारे में डिटेल से बात किया। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को देखना एंड तक, इसकी बिल्कुल मत करना। साथ ही फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए 10,000 का फ्रेंड्स मैंने रखा गिव अवे। गाइज, मैं एक सवाल पूछूंगा, आपको सिंपल सा उस सवाल का जवाब देना है। फ्रेंड्स, अगर आपका सवाल का जवाब सही होता है तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर बिल्कुल फ्री में 10,000 रुपये विन कर जाओगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को देखना एंड तक, मैंने सवाल वीडियो के मिडिल में या फिर एंड में कहीं पर ही पूछा, तो देखो एंड तक सवाल का जवाब दो और फ्रेंड्स गिव अवे में पार्टिसिपेट करो और बिल्कुल फ्री में 10,000 जीतने का मौका पाओ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, बात करें आज का मैच का, फ्रेंड्स आज का जो मैच है जो खेला जाएगा शाम को 7:30 बजे से, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग का ड्रीम इलेवन में काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया है और आप लोग चाहते हो लॉस को कवर करना, तो गाइस आप जाकर के मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ फ्रेंड्स मैं डेली का 10 से 15 मैच कवर करता हूँ, जहाँ फ्रेंड्स T10, T20, कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल सभी टाइप्स का स्पोर्ट्स में कवर करता हूँ और सभी में बैक टू बैक क्लीनशिप कराता हूँ। तो जाकर के ज्वाइन कर लो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, आपका जितना भी लॉस अभी तक हुआ है ड्रीम इलेवन में सारा का सारा फ्रेंड्स कवर कर लो बिल्कुल फ्री में, मैं बिल्कुल फ्री में टीम देता हूँ, ठीक है। तो जाकर ज्वाइन कर लो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, बात करें पिच रिपोर्ट के बारे में, तो फ्रेंड्स मैच का सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है गाइज पिच, क्योंकि फ्रेंड्स पिच के अकॉर्डिंग ही टीम बनती है। तो फ्रेंड्स इसको देखना ध्यान से, इसकी बिल्कुल ही मत करना, ठीक है। तो फ्रेंड्स बात करें वेन्यू का, तो लास्ट जो मैच होता है फ्रेंड्स उसी ग्राउंड में दोबारा से ये मैच खेला जाएगा। लेकिन दोस्तों पिछले मैच में गाइस बारिश हुआ था तो काफ़ी वेदर चेंज था, लेकिन दोस्तों इस मैच में वेदर पूरा क्लियर था, काफ़ी कुछ चेंज हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ध्यान से, ठीक है। फ्रेंड्स ये बात करें पिछले 4 मैच के रिकॉर्ड का, फ्रेंड्स एक मैच खेला गया था पिछले जहाँ पर साउथ अफ्रीका और फ्रेंड्स खेला गया था आयरलैंड में, जहाँ फ्रेंड्स बना साउथ अफ्रीका ने 165 और फ्रेंड्स को आयरलैंड चेस नहीं कर पाया, 132 बना पाया था। गाइस इस मैच में पहले इनिंग में स्पिनर्स को मिला था 2 विकेट और फ्रेंड्स मिले थे पेसर्स को 5 विकेट। दूसरा इनिंग में फ्रेंड्स मिले थे स्पिनर्स को 6 विकेट और फ्रेंड्स मिले थे पेसर्स को 3 विकेट। दूसरा फ्रेंड्स मैच खेला गया था इंडिया और आयरलैंड के बीच में, जहां फ्रेंड्स बनाया था इंग्लैंड ने 225 रन और फ्रेंड्स उसको आयरलैंड चेस नहीं कर पाया, 221 बना पाया था। उस मैच में गाइज स्पिनर्स को विकेट नहीं मिला था और फ्रेंड्स पेसर्स को 7 विकेट मिला था। सेकेंड इनिंग में फ्रेंड्स पेसर्स को 3 विकेट और स्पिनर्स को 1 विकेट। तीसरा फ्रेंड्स मैच खेलेगा जहाँ पर बनाया था आयरलैंड 108 रन और फ्रेंड्स को इंडिया ने चेस कर लिया 111 बना करके। उस मैच में गाइज पेसर्स को मिला था 1 विकेट फर्स्ट इनिंग में और फ्रेंड्स स्पिनर्स को मिला था 4 विकेट। दूसरा इनिंग फ्रेंड्स मिला था पेसर्स को 3 विकेट और स्पिनर्स को विकेट नहीं मिला था। चौथा फ्रेंड्स मैच खेला गया था लास्ट मैच, जो कि यहाँ पर बनाया था आयरलैंड ने 139 और उसको इंडिया ने चेस नहीं कर पाया, मतलब कि इंडिया मैच को विन करे लेकिन दोस्तों बारिश हो गया था। तो उसमें अगर देखा जाए तो मिला था पेसर्स को 5 विकेट फर्स्ट इनिंग में और स्पिनर्स को मिला था 2 विकेट। सेकंड इनिंग में फ्रेंड्स स्पिनर्स को विकेट नहीं मिला था, पेसर्स को मिला था 2 विकेट, क्योंकि फ्रेंड्स लास्ट मैच में यार बारिश होता था, वेदर पूरा एकदम बादल से घिरा हुआ था, तो यहाँ पर उतना खास हेल्प नहीं था स्पिनर्स को, ठीक है। लेकिन दोस्तों देखा था यहाँ पर ना दोस्तों बैटिंग के लिए काफ़ी अच्छा पीछे का आईजिए और फ्रेंड्स यहाँ फास्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा खासा हेल्प मिलने वाला है इस मैच में। तो आपको देखना पड़ेगा कौन सी टीम पहले बैटिंग कर रही, तो आपको थोड़ा सा बैटर्स को थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा टीम में, ठीक है। और फ्रेंड्स बात करें इंडिया के प्लेइंग इलेवन का, तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर जयसवाल हो जाए, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, आपके ये हो सकते हैं प्लेइंग इलेवन इंडिया का, ठीक है। बाकी कुछ चेंज होंगे तो आपको उसका मिल जाएगा अपडेट टेलीग्राम पर, तो जाकर के मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स बात करें प्लेयर स्टेट्स के बारे में, फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा प्लेयर फॉर्म में है, कौन सा प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म में है, फ्रेंड्स ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट हमारा जयसवाल, जो कि देखा जाए अभी लास्ट मैच में 24 रन बनाया थे, उससे पहले 0, 50, 1, 84, 5+0 विकेट, फ्रेंड्स इसने काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। फ्रेंड्स इनका एवरेज भी काफ़ी अच्छा, 3 मैच खेला T20 में 90 रन बनाया, 45 के एवरेज है, तो काफ़ी कमाल के फॉर्म में और अच्छे बैटिंग कर रहे हैं और बैटिंग के लिए काफ़ी बेहतर पिच भी है, तो आपका बेस्ट पिक है जयसवाल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा तिलक वर्मा, जो कि भाई लगातार 3 मैच में काफ़ी अच्छा किया था इसने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, लेकिन लास्ट मैच में आउट हो गया 0 पर, तो भाई ऐसा नहीं कि आज ही फिर आउट होगा भाई, अच्छा वो फिर से करके देगा रन, तो इसको भी टीम में रखना, ड्रॉप नहीं करना है।
नेक्स्ट हमारा गायकवाड़, जो गायकवाड़ भाई भी काफ़ी कॉल में नॉट आउट थे, बैटिंग अच्छा कर रहे थे फ्रेंड्स, इनको भी टीम में रखना है, इसको भी ड्रॉप नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा संजू सैमसन, जो कि नंबर आते चार बैटिंग करने के लिए फ्रेंड्स, इनको भी कुछ खास फॉर्म में नहीं है, कभी चलते कभी नहीं चलते हैं, तो इसको थोड़ा सा रिस्की है, आप लोग एज ए ग्रैंड लीग में इसको ट्राई कर सकते हो, शायद बेस्ट पिक हो जाए। नेक्स्ट हमारा रिंकू सिंह, जो कि भाई देखा जाए ये भी काफ़ी नीचे बैटिंग करने की लाएंगे तो शायद उनको बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो शायद कोई चांस इसको मिला, अगर इंडिया सेकंड बैटिंग करती है तो इनको चांस बहुत ही कम है कि इसको मिलेगा, ज़्यादातर मैच आप इसको ड्रॉप ही करना, लेकिन हाँ ग्रैंड लीग में इसको आप लोग ट्राई कर सकते हो, दोस्तों आईपीएल में इसने काफ़ी अच्छा मैच किया था, आप इसको यहाँ पर एज अ क्या बोलते हैं जब चेस करेगी तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है रिंकू सिंह। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर, जो कि भाई देखा था लास्ट में विकेट इनको मिलने नहीं था, लेकिन दोस्तों स्पिन पिच अगर होती है तो फ्रेंड्स इसको मौका मिलेगा, वरना शायद ड्रॉप होंगे आज के मैच में। नेक्स्ट हमारा शिवम दुबे, जो कि भाई बॉलिंग उतना खास करते नहीं है, बैटिंग में उतना मिला नहीं है, क्योंकि लास्ट में पहले मैच में खेला तो मौका मिला नहीं, लेकिन फ्रेंड्स इनको मौका मिल सकता है तो आपके लिए बेस्ट पिक है, ट्रम्प पिक भी हो सकता है, लेकिन आप लोग ग्रैंड लीग में ट्राई करना है शिवम दुबे को और यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर को, ठीक है। रवि बिश्नोई का देखा था लास्ट में, इसने भाई दो विकेट निकाला था और काफ़ी अच्छा बॉलिंग भी करते हैं, अगर मौका इनको मिलता है तो फ्रेंड्स एक दो विकेट तो को निकाल कर देने ही वाला है, गारंटीड है, तो इसको टीम रखना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा प्रसिद्ध कृष्ण, जो कि भाई ये भी इसने भी काफ़ी अच्छा किया था, दो विकेट निकाला चार ओवर में और काफ़ी अच्छा बॉलिंग किया था, क्योंकि फ्रेंड्स लास्ट मैच में पेसर तो काफ़ी अच्छा खासा हेल्प था, क्योंकि भाई बादल छाया हुआ था, आपको फिर से विकेट निकाल कर देगा। अरजीत सिंह ने लास्ट मैच में मात्र एक विकेट निकाला, लेकिन दोस्तों अच्छा बॉलर आज फ्रेंड्स कम से कम ये दो या तीन विकेट निकाल के भाई देने ही वाले हैं, 100% गारंटीड है, कम से कम तीन विकेट निकाल कर देगा या फिर दो विकेट देगा, तो इसको रखना है। बुमराह जो कि भाई कैप्टन टीम का काफ़ी अच्छा वापसी किए हैं, तो इसको भी टीम में रखना बनता है, ठीक है। और फ्रेंड्स बात करें आयरलैंड के प्लेइंग 11 का, पॉल स्टर्लिंग कैप्टन है, एंड्री बालबीन है, लॉरेंस टॉकर, हैरी टेक्टर, कर्टिस कैम्फर, जॉर्ज डॉकरेल, मार्क अदायर, बैरी मैकार्थी, जोशुआ लिटल, क्रैग यंग, बेंजामिन व्हाइट, आपके ये हो सकते हैं प्लेइंग 11 आयरलैंड के। बाकी फ्रेंड्स कुछ चेंज होंगे तो आपको उसका मिल जाएगा अपडेट टेलीग्राम पर, तो जाकर के मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स बात कर रहे हैं आयरलैंड के प्लेयर स्टेट्स के बारे में, तो फ्रेंड्स हमारा पॉल स्टर्लिंग जो कि देखा जाए लास्ट मैच में 11 रन बनाया था, उससे पहले कुछ खास किया नहीं दोस्तों, कभी चलते कभी नहीं चलते, तो फ्रेंड्स इसका कोई गारंटी नहीं, उतना खास रहता नहीं है। नेक्स्ट हमारे लॉरेंस टॉकर, जो कि भाई अच्छे बिल्कुल खाता भी नहीं खोल पाते और आउट हो गए थे, लेकिन फ्रेंड्स अच्छा बैट्समैन है, ऐसा नहीं कि आज नहीं चले, लेकिन फ्रेंड्स आज ये चल सकता है, मैं इसको पर्सनल टीम में आज रखूँगा, आप लोग इसको रख लेना। नेक्स्ट हमारा बालबीड़ने, बालबीड़ने का देखा जाए एक मैच में 4 रन बनाया था, लास्ट मैच में फ्लॉप हुआ था, लेकिन भाई भी अच्छा बैट्समैन है, तो टॉकर और फ्रेंड्स बालबीड़ने मुझे लगता है कि आज मैच में अगर पहले बैटिंग करते हैं आयरलैंड तो आपको बेस्ट पिक है, दोनों आपको कम से कम 30 या 40 रन तो करते हुए दिख सकते हो दोनों मिला करके, तो आपको दोनों में से किसी एक को रख लेना या फिर दोनों आप लोग इसको रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे हैरी टेक्टर, जो कि भाई ये भी फ्लॉप हुआ था लास्ट मैच में, लेकिन भाई भी अच्छा बॉलर है, तो टॉप चार फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा है आयरलैंड का, लेकिन जो टॉप चारों फ्लॉप होते लास्ट मैच में, कम से कम या फ्रेंड्स 4 में से 2 तो आज मैच चलने वाला है कम से कम, तो दोनों में से किसको रखना मैं बताऊंगा वो टॉस के बाद, लेकिन इसके लिए आपको कहाँ क्या करना होगा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, जब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो मैं आपको वहीं बताऊंगा किसको लेना है किसको ड्रॉप करना है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर कर्टिस कैम्फर, जो कि देखा जाए लास्ट मैच में काफ़ी अच्छे 39 बनाया था, तो ऐसा नहीं कि आज फिर ये चल सकता, आज ये फ्लॉप भी हो सकता है। नेक्स्ट मार्क अदायर, जो कि भाई इसने एक विकेट निकाला, 16 रन ही बनाया था, ठीक ठाक किया था, तो ये भी तो उसको काफ़ी नीचे बैटिंग करने के लिए आता, तो इसको उतना खास हम लोग महत्व देंगे नहीं, आपको बॉलिंग से पॉइंट देंगे वरना बैटिंग से पॉइंट्स देंगे नहीं। नेक्स्ट जॉर्ज डॉकरेल, ये भी तो उसको बॉलिंग है कुछ खास भी करते नहीं है, तो इसको हम लोग ड्रॉप कर देंगे। बैरी मैकार्थी, जो कि भाई अच्छा ऑलराउंडर है, इसने बनाया 1st 50 इंडिया के खिलाफ, और भाई ये तुक्का से चल गया, लेकिन भाई चलने वाला आज है नहीं, फ्लॉप होगा 100% गारंटेड, इसको टीम में मत रखना। नेक्स्ट हमारा जोशुआ लिटल, जो कि भाई विकेट इनको मिलना नहीं, लेकिन फ्रेंड्स अच्छा बॉलर को विकेट निकाल के देगा, तो इसको टीम में रखना है। नेक्स्ट हमारा क्रैग यंग, जो कि लास्ट मैच में 2 विकेट निकाला था, ये भी ट्रम्प पिक उस मैच में साबित हुआ था, आप लोग इसको रख सकते हो, फिर से आपको विकेट निकाल के दे सकता है। नेक्स्ट हमारा बेंजामिन व्हाइट, देखा जाए तो भाई भी कुछ खास नहीं, फिर दोस्तों स्पिनर है, स्पिन को उतना खास हेल्प है नहीं, तो इसको टीम में हम लोग ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। आप फिर थोड़ा सा ट्रम्प पिक की बात कर लेते हैं फ्रेंड, देखिए आज के मैच में गाइस यहाँ पर मैं बताऊँगा इंडिया के लिए ट्रम्प पिक फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट हमारा आपका रिंकू सिंह है, जो कि अगर ट्रॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है इंडिया का तो आपको ये रन्स करके देगा, ठीक है रिंकू सिंह। दूसरा फ्रेंड्स आपको इस मैच में ट्रम्प पिक गाइस होगा वाशिंगटन सुंदर, फ्रेंड्स अगर स्पिन को थोड़ा सा हेल्प मिलता तो भाई को विकेट निकाल कर देगा, आपको रन्स भी कर सकता है। तीसरा फ्रेंड्स आपको तिलक वरुण, जो कि भाई तीन तो मैंने बताया ट्रम्प पिक आपको आज के मैच में साबित हो सकता है। और बात करें आयरलैंड का तो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट गाय जो है दोस्तों पॉल स्टर्लिंग, जो कि भाई कैप्टन है, काफ़ी ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं, लेकिन फ्लॉप हुए तो फ्रेंड्स अगर चल गया तो काफ़ी रन्स करके दे सकता है आपको। सेकंड दोस्तों हमारा ट्रम्प पिक गाय जो है हमारा मार्क अदायर, जो कि भाई ऑलराउंडर है दोस्तों, बॉलिंग अच्छा भी करता है बैटिंग भी कर लेता है, तो आपको ये फिर से करके दे सकता है। नेक्स्ट थर्ड हमारा फ्रेंड लॉरेंस टॉकर और एंड्री बालबीड है, फ्रेंड्स आपको ये दोनों में से
कोई किसी को ट्रम्पिक में साइबर आप लोग ले सकते हो। बाकी मैं बताऊंगा आपको टॉस के बाद, तो जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम एनालाइज कर रहे हैं, चलिए टीम को बनाते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पर टीम को बनाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर तीन विकेट कीपर है, संजू सैमसन, टॉकर और जीतेश शर्मा। जीतेश शर्मा खेलेंगे नहीं, टॉकर और संजू सैमसन। फ्रेंड्स हम लोग लेंगे यहाँ पर संजू सैमसन को, क्योंकि भाई यार टॉकर ने कुछ खास किया नहीं था, लेकिन फ्रेंड्स आप लोग इसको ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। संजू सैमसन आपके लिए बेस्ट रहेगा, मैं संजू सैमसन को लेकर चलूँगा, ठीक है। आते गए बैटिंग में, तो पॉल स्टीयरिंग फ्रेंड्स मैं लूँगा, मुझे लगता है आज पर्सनली चलेगा, क्योंकि भाई पिच बैटिंग के लिए काफ़ी बेहतर है, तो मैं लूँगा इसको। तिलक वर्मा जो कि फ्लॉप हुआ था लेकिन आज चलेगा। हैरी टेक्टर और गायकवाड़ फ्रेंड दोनों में से किसी एक को हमें लेना। गायकवाड़ ने काफ़ी अच्छे किया था लास्ट मैच में, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है आज गायकवाड़ होगा फ्लॉप, मैं लूँगा हैरी टेक्टर को, मुझे ये अच्छा जल लग रहा है, ठीक है। बाकी बालबीर ने जयसवाल को मैं लूँगा, मैं यहाँ पर लूँगा चार बैट्समैन को, ठीक है। बालबीर ने अभी सो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। शिवम दुबे को भी ग्रैंड लीग में ट्राई आधार सबको फ्रेंड्स आप लोग ग्रैंड लीग में तीनों को ट्राई करना है। रिंकू सिंह को फ्रेंड्स आप लोग ट्राई कर सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स कब अगर इंडिया सेकंड बैटिंग करती है, चेस करती है, तो कहीं रिंकू सिंह आपको और शिवम दुबे रन करके दे सकते हैं आपको लास्ट में फिनिश करते हुए। तो आपको दोनों को ट्राई करना कब, जब इंडिया सेकंड बैटिंग करेगी तब, ठीक है। आते फ्रेंड्स ऑलराउंडर्स में, तो कैम्फर ने भाई काफ़ी अच्छा किया था लेकिन भाई आज चलेगा नहीं, ग्रैंड लीग फ्लॉप होगा, मैं इसको लूँगा नहीं। डॉकरेल को जो कि भाई अच्छा करेगा। वाशिंगटन सुंदर अगर स्पिन में देखते हैं टॉस के बाद कि क्या होता है, अगर स्पिन पिच होती है तो इसको लेंगे, वरना ड्रॉप करेंगे। भाई कुछ खास नहीं, हमने हमारे हो गए मात्र एक ऑलराउंडर। और चलिए और आते गए बॉलर्स में, तो बुमराह हो गया, ठीक है, जो कि नो डाउट। जोशो लिटिल जो कि भाई काफ़ी कम सिलेक्शन लेकिन भाई आप अच्छा करेगा आज ये। अरजीत सिंह हो गया, क्रैग यंग जो कि किया था आज फ्लॉप जाएगा। प्रसिद्ध कृष्णा हो गया, ठीक है, हम दोस्तों लेंगे तीन चार बॉलर्स हो गया। बिश्नोई जो कि स्पिन पिच अगर फ्रेंड्स होती है तो लेना है, वरना इसको ड्रॉप कर देंगे। मैकार्थी ये भी काफ़ी अच्छा किया था, और एफ हैंड ये सब नहीं है, तो मैं एज अ इधर में कैम्फर को मैं फिर से यहाँ पर टीम में ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए अब ये मेरा टीम बन के रेडी है। अब कैप्टेंसी के लिए फ्रेंड्स बात किया जाए, तो फ्रेंड्स आपको सेफ जाना है तो या बिल्कुल सेफ के लिए कौन सा आपका ऑप्शन है, बुमराह बिल्कुल सेफ कैप्टेंसी का ऑप्शन है, और प्रसिद्ध कृष्ण बिल्कुल सेफ कैप्टेंसी का ऑप्शन है। रिस्की कैप्टेंसी की बात करें तो फ्रेंड्स आपको हैरी टेक्टर रिस्की है, तिलक वर्मा रिस्की है। और वाइस कैप्टेंसी की बात करें सेफ का, तो फ्रेंड्स आपको सेफ जाना है तो यहाँ पर स्टीलिंग भी सेफ वाइस कैप्टेंसी है, यहाँ पर जयसवाली बिल्कुल सेफ वाइस कैप्टेंसी का ऑप्शन है। रिस्की वाइस कैप्टेंसी ट्राई कर सकते हो, उसमें संजू सैमसन को ट्राई कर सकते हो रिस्की में, और डॉक्टर को ट्राई कर सकते हो रिस्की बॉल को वाइस कैप्टन, ठीक है। तो फ्रेंड्स फिलहाल ये मेरा टीम है गाइज, मेरा फाइनल टीम नहीं है, आपको फाइनल टीम मिलेगा टेलीग्राम पर, तो जाकर के मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।